सो हेलो गाइस, कैसे हो लोग? मैं सब बहुत ही अच्छा हूँ। तो भाई अभी मैं आपको अर्ली वी आई का जो स्किल है या फिर एबिलिटी है वो आफ्टर अपडेट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर भाई पहले ये जो करता था ना, मतलब हेल्थ देता था आपको जब आप हील होकर उठते थे, तो वो तो भाई बिल्कुल भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका स्किल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है कि 10 मीटर के अंदर, ठीक है, अगर आप अर्ली वी आई यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपका हेल्थ कम है एंड आपने कुछ यूज़ किया, जैसे कि मेडकिट हो गया, सुपर मेडकिट हो गया, इनहेलर हो गया, जो भी आपने यूज़ किया, तो 10 मीटर के अंदर अगर कोई टीममेट्स, आपका जो टीममेट्स है ना, जो प्लेयर के साथ आप लोग खेल रहे हो, वो अगर 10 मीटर के अंदर रहता है तो उसको भी आपका जो हेल्थ है ना उसका 80% मिलेगा। मतलब मान लो यहाँ पर आपने हील किया और यहाँ पर आपने अपना जो हेल्थ है वो 100 गेन किया, मतलब 100 इंक्रीज किया HP, ठीक है, तो आपका जो टीममेट्स है उसको भी यहाँ पर 80 मिलेगा, मतलब 20% कम मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपके पास EP है एंड HP आपका कम है तो आपका हेल्थ हो रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक करके पर सेकेंड, तो वो भी आपका जो टीममेट्स है ना उन लोगों को मिलेगा 80%, ठीक है। लेकिन ये कैरेक्टर्स वगैरह में काम नहीं करेगा, जो कैरेक्टर आपको हेल्थ देता है ना तो वो यहाँ पर किसी और को नहीं देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आलोक यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हो वो बहुत बाहर है, तो यहाँ पर जो ग्रीन वाला सर्कल आता है ना, जैसे मेरा हेल्थ होता है तो तब ये नहीं आएगा। मतलब एक्टिव स्किल कैरेक्टर या फिर जो भी कैरेक्टर से आपको हेल्थ मिल रहा है उसका हेल्थ 80% आपके टीममेट्स को नहीं मिलेगा। मतलब कैरेक्टर्स को छोड़ के यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें हैं जिससे आपका हेल्थ बढ़ता है, सभी पे ये वर्क करेगा। ओके, एंड बड़ा सा एक सर्कल जैसे बन जाता है, तो यहाँ पर आपके जो टीममेट्स है ना उन लोगों को पता लग जाएगा कि इसके अंदर अगर मैं खड़ा होगा तो मुझे भी यहाँ पर हेल्थ मिलेगा 80% जो हील कर रहा है मेरे टीममेट्स उसका, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन अगर उन्होंने तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टाटा।